वो अपना हो रहा, वो देखें कबूतर और मुर्गी लेके बैठा हुआ है जी। क्या मांग रहे हैं? 6000 भाई आपका है? क्या डिमांड? 2000 रुपए। इसकी क्या मांग रहे हो? 600 रुपए। ब्लॉगर सफाई नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मैं छत पे आया हुआ हूँ, सुबह के 9 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं बर्ड्स मार्केट। वजह ये दोस्तों कि ये सीधी वजह दिखा दूँ मैं आप लोगों को। ये जो है हमारे पास सारे के सारे हमारे बजेज हैं दोस्तों। अभी हमदा को मैंने बोला था कि यार हमारे पास ना बजेज मतलब फजूल के पड़े हुए हैं जिनका कोई काम है ही नहीं। तो एक एक दो दो पीसेस अलग अलग पड़े हुए थे, मतलब कोई नर पड़ा हुआ है तो कोई मादा पड़ी हुई है अलग अलग। तो इस वजह से हमने ऊपर वाली जो उसके अंदर से हमारी जो कॉलोनी बनी हुई थी उसमें से हमने हमारा जैकल, ये रहा छोटे वाला, और एक ये ब्लू वाला बजी, और एक ये हमारा जैकल जो हैकल के साथ था वो निकाल लिया है, और ये येलो वाला भी उसमें से निकाला है, और जो नीचे हमारा एक इधर दोस्तों था पूरे का पूरा पेयर उसको भी हमने निकाल लिया है। तो ये 5 के 5 बजेज दोस्तों ले जा रहे हैं हम, इनको सेल आउट कर देंगे आज बर्ड मार्केट में। और जो है ये रहे, ये बाहर आके बैठे हुए बड़े मज़े से दोस्तों। ये जो हमारे पास 2 कबूतर हैं जो 2 के 2 नर हैं, तो इन दोनों का भी कोई फ़ायदा नहीं था, आप लोगों को पता है नर रख के मैं क्या करूँगा। तो हम ये नर भी ले जा रहे हैं और देखते हैं बर्ड मार्केट में आज बिकते हैं या नहीं। अगर बिक गए तो ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं बिके तो कोई बात नहीं, वापसी लेकर आ जाएंगे। बाकी चलते हैं दोस्तों बर्ड मार्केट जल्दी से। A few moments later. तो दोस्तों मार्केट में आ गया हूँ भाई हमदा के साथ। हमदा जो है वो अपना हो रहा, वो देखें कबूतर और मुर्गी लेकर बैठा हुआ है। एक जो जोड़ा था इसने तोते का वो बेच दिया है, और हम मुर्गी भी लेकर आ गए थे, भाई से मंगवा ली थी मुर्गी लेकर आ गए हैं। एक कबूतर का जोड़ा है वो पड़ा हुआ, इसके बाद एक तोते का है, और जो इसके तोते थे छोटे वो बिक गए हैं। बाकी जो है बनाएंगे, रुक तो जा, सब्र तो कर यार। तो अभी दोस्तों चलते हैं और देखते हैं अपने हिसाब से कोई चीज़ मिली है या नहीं, मुर्गा देखते हैं या फिर कोई भी चीज़ मिले देख लेते हैं। हाँ भाई बोलो बोल रहे हैं वीडियो बना लो, कैमरा ला रहा हूँ तो उनकी जान निकल ली है। चले कह रहे 10 आते हैं, ऐसे कोई मसला नहीं। जानिए बताना यार क्या रेट है? 5000 जोड़ा। जोड़ा कौन कौन सा है? ये रहा, खूबसूरत है यार माशाल्लाह। अरे कहाँ आ रहा है भाई? क्या आप पे क्या डिमांड कर? 3000 रुपये। अच्छा हाँ तो उसके पूर्व बता रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं है ना, सही पता चल रहा। बनाए क्या मांग रहे हो सर? भाई इसके 5000 रुपये मांग रहे। 5000 रुपये कौन सी नस्ल है? ये जागीरी है। जागीरी, और इसके? ये 4000 रुपये का। ये कौन सी नस्ल? ये भी जागीरी। ये भी जागीरी। जी क्या मांग रहे हैं? 6000। क्या मांग रहे हैं? 5000 रुपये। क्या मांग रहे हो इसके भाई? क्या मांग रहे हो? 3500 रुपये। 3500 रुपये भाई आपका है? क्या डिमांड? 2000 रुपये, और उसके? 3000। नस्ल कौन सी है इसका पता? और वो क्या मांग रहे हो? 6000 रुपये। माशाल्लाह, नस्ल का बताओगे? सतमोरा। सतमोरा ही देवर सावे मुश्को। सही, आप क्या बेटा क्या मांग रहे हो? किसी के भी बता दो। जोड़े है कितने? हाँ 2500। लाला को वाला कल ना जाए देख के। इसके क्या मांग रहे हो? 600 रुपये। क्यूट है माशाल्लाह, छोटा था। इसी की कमी है हमारे पास घर के ऊपर। भाई क्या मांग रहे हो उसके? 5 फाइनल पूरे। और इसके क्या मांग रहे हो? 1 फाइनल। ये भी फाइनल। 5000 रुपये चलेगा? चले भाई दोस्तों ये बच गए हमारे सिर्फ, और हमारी जो मुर्गी है काली। घर चलते हैं, नमाज निकल ली है, जुम्मा है तो घर जाके आप लोगों से मुलाकात हो। तो दोस्तों घर आ गए हैं भाई, और नहाया धोया हूँ मैं आप लोगों को दिख रहा हूँ। तो हुआ कुछ यूँ कि वहाँ से वापसी आते हुए दोस्तों हम जब यहाँ पहुँचे तो 2 बजने वाले थे और नमाज़ निकलने आ जी थी, तो उन्हीं कपड़ों में मैंने जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ी और वहाँ से आया।
फिर अभी नहा धो के चेंज वेंज करके अब आया हूँ बाहर। आपको जुम्मा मुबारक बहुत बहुत। और दोस्तों बाकी हम सेटअप पे आए भाई, सेटअप पे ये सारे खुले हैं। अत्थर भाई और हमजा जो हैं दोस्तों वो अभी इसलिए नज़र नहीं आ रहे यहाँ पे क्योंकि वो दोनों गए हुए हैं मुर्गा देखने। एक उनको कॉल आई थी कि भाई आप आके देख लो, तो उनको एक पसंद आया था मुर्गा, अब वो देखने गए हुए थे। मैं नहा रहा था, मिला आप लोग चले जाओ फिर भाई, तो देख लो अगर सही लगे तो उठा लेना। इनको बंद कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी सुबह के खुलने में यार, ये सुबह के दोस्तों ये बंद हो गए सारे भाई। आप खोल देते हैं यार इन बेचारों को, सुबह के बंद पड़े में। अबे फिर डब्ल्यू पे फंस गया मैं आके यार। आ जाओ, हाँ हाँ हाँ। अब मैं वेट कर रहा हूँ सर भाई, हमजा आ जाए तो देखते हैं वो लोग क्या लाते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास अब्दुल रहीम भी आ गए आज घर, और अब्दुल रहमान भी अभी अभी आई हैं दोनों। और बाकी अब्दुल रहमान नहीं है। चलो ठीक है, फिर शिनचैन हो? शिनचैन भी नहीं है। फिर नोबिता नहीं? फिर डोरेमोन? चलो डोरेमोन, ऐसा लगता है भी डोरेमोन जैसा ही है। फिर दोस्तों तो हमजा जो है दोस्तों वो अत्थर भाई और हमजा आ गए थे, पर मुर्गा वो बोलने समझ नहीं आया तो हमने मना कर दिया। बाकी हमजा जो है वो बाल कटवा कर भी रास्ते में से वापसी करवाते हुए आया सब, तो बोला मैं नहा धोकर आऊँगा यार ऊपर, तो मैंने बोला मैं सारा कुछ खोल खुला दूँ भाई। और ये तो अंदर ही बैठे हुए हमारे, जिनको हम खोल के गए थे वापसी, ये देखे हम नीचे गए अंदर चले गए, पता नहीं इनको अंदर क्या मजा आने लग गया भाई। क्यों इन्होंने खाना खा लिया? हाँ अभी बाहर नहीं आएंगे। खाना ही तो नहीं खाया वो पड़ा खाना यार, सोना सोना हो गया हमारा ये। इसके अंदर क्या था पता है आपको? याद है? हाँ पता है। क्या था? तीतर। चलो चल, इसके अंदर हमारे बजिस थे, पता वता कुछ होता नहीं है। तीतर जाओ अब घूमो आराम से, जितना घूमना चल चलो घूमो जितना करना। क्या कर रहा था मैं? सफाई। सफाई कर रहा था। और आप क्या बोल रहे थे? ब्लॉगर सफाई नहीं करते भाई, ये बोला ब्लॉगर सफाई नहीं करते। किसने बोला यार? दोस्तों सफाई सफाई नहीं सेमान है, सही है ना? है नहीं है गाइस, आप कमेंट में बताना कि सफाई ब्लॉगरों को करना चाहिए या नहीं। करनी चाहिए ठीक रहा निशान भाई भी अतरेत की बातों में भाई, करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए, लाजिम है। और कोई भी भाई छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता, सब पे ये काम वाजिब है, अपने काम खुद करने चाहिए। और सफाई तो लाजमी करनी चाहिए, जब ये सारा कुछ पाला पोसा है तो इनकी सफाई भी मस्त होनी चाहिए और हर किसी को करनी चाहिए भाई। मैं ये बोलता हूँ क्लियर बात, तो मेरी शुरू से आदत है मुझे गंदा नहीं पसंद, मैंने अभी भी साफ सफाई कर दी है। बस लाओ इन्हें, आपको क्या पसंद है ये तो बता दो। डॉग। डॉग बस हमारी बात यहाँ तक ही, चीज के साथ चल घर जा, घर के ना अभी अभी चल 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 घर जा। डॉग हमें रखने नहीं देते दोस्तों, इससे ज्यादा हमारे को शौक है। वक्त में हमारे पास कुत्तों का इतना शौक था, लेकिन वजह ये दोस्तों छत पे हम रख नहीं सकते क्योंकि पालना फरिश्ते नहीं आते साफ बात, तो इस वजह से ना घर वालों ने काफी सख्ती से मना करा रहा है। डॉग के अलावा कैट, हाँ बिल्ली रख लो, बिल्ली ला देंगे इनको, बिल्ली ला देंगे, बिल्ली पालने वाले। लेकिन डॉग नहीं, डॉग हम पालेंगे इंशाल्लाह दोस्तों, पर बाहर जब अल्लाह ने दिया तो जरूर पालूंगा मैं भाई। क्या क्या पसंद है आपको? मुर्गा। मुर्गा भाई इसको मुर्गा पसंद है। क्या पसंद है? मुर्गा। मुर्गा इसको मुर्गा पसंद है, है? मुर्गा ये रहा मुर्गा, ये रे को रे बोलता थोड़ा सा, तो इस वजह से मुर्गा करते हैं ये छोटा है भी तो हमजा है ना हमारा, उसकी भी यही आदत है, वो रे को रे बोलता है। दोस्तों लोटिनो यार हमारे जो घास है वो कल हमने रखी थी आपके सामने, अभी तक उन्होंने नहीं उठाई, देखते हैं अब। हाँ बेटा छोटे डॉन को खोल दो छोटे डॉन को, तो उन्होंने अभी तक नहीं उठाई, अब देखते हैं वो कब उठाते हैं। बाकी दोस्तों वो जो पार्सल का मैंने आपको बताया था वो पार्सल दोस्तों कल आएगा, और आज मेरी उनसे भाई से बात हुई थी, वो बोल रहे थे कि कल इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं पहुँचा दूंगा, तो उसका वेट करते हैं। अब वो पार्सल में क्या है वो कल ही आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या चीज़ मंगवाई हमने, कैसी है और क्या दिखती है। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल घर में शौक को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए व्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाजत, बाय, अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय बाय, सीधा बाय बाय बाय, हाँ बाय, एक्टिंग उतरवा लें, बाय टाटा, अल्लाह हाफिज।